रोडवेज कर्मचारियों के प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत शनिवार को रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों की ओर से ढोल बजाओ सरकार को अपना वादा याद दिलाओ कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान समस्त रोडवेज कार्मिकों ने आगार कार्यालय के बाहर खड़े होकर ढोल बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिलाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपस्थित कार्मिकों ने रोडवेज में नई भर्ती शुरू करो, नई बसों की खरीद करो, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद तथा रोडवेज प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान टीसी गोयल, विजय सिंह गोड, विक्रम सिंह राठौर, संपत राज जांगीर, समरथ सिंह खेचा, नारायण सिंह राठौर, विनोद कुमार, कन्हैया लाल, दीपक कुमार मोहनलाल, प्यारे लाल नंदू सिंह, गोपाल सिंह तथा कल्याण सिंह आदि शामिल थे। राजस्थान पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की कई ज्वलंत समस्याएं और मांगे जो काफ़ी समय से लंबी चल रही हैं उसके संबंध में संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे राजस्थान रोडवेज के 52 डिपो मुख्यालय, तीनों केंद्रीय कार्यशालाएं और सभी जगह ये आंदोलन चल रहे हैं। 21 सूत्रीय मांग पत्र है जिसमें 9 चरणों का आंदोलन चल रहा है। अब ये आज 7वें चरण का आंदोलन है। अभी 17 तारीख को प्रदेश स्तरीय एक रैली का आयोजन जयपुर मुख्यालय पर किया गया था, जहां राजस्थान के विभिन्न श्रमिक यूनियनों द्वारा उसके करीब 5000 कर्मचारियों द्वारा बढ़ चढ़ करके रैली में भाग लिया। आज जो 7वां चरण है उसमें ढोल बजाओ सरकार जगाओ ये आंदोलन का जो चरण चल रहा है ये उसके तहत सारे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान रोडवेज की जो मुख्य मांगे हैं कर्मचारियों की, क्रमबद्ध एक एक माह का उनका भुगतान किया जाए, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनके कई परिलाभ बाकी हैं उनका भुगतान किया जाए, इस रोडवेज को चलाने के लिए कम से कम 2000 नई बसों की खरीद की जाए,